चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं है तो मुझे कमेंट करके बताओ क्यों अच्छे नहीं हो, क्या प्रॉब्लम है, किस चीज़ की प्रॉब्लम है। तो प्लीज़ आप लोग मुझसे शेयर की किया कीजिए तो मुझे अच्छा लगेगा। थोड़ा वेदर चेंज है इस वजह से थोड़ा खिचखिचा। तो चलो ये सब तो मौसम विभाग की बातें हैं, वो छोड़ती हैं जो भी है हेल्थ को लेके। लेकिन आज मैं यहाँ पे एक वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। और जो भी मेरे चैनल पे न्यू हो पहले वो मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें। जो फंडा है, जो फार्मूला है, जो रूल है वो मुझे पहले बोलना पड़ेगा। जो न्यू है तो भाई सब्सक्राइब कर लें। तो गाइस अभी तक मैं अपने वीडियो में जितने भी कलेक्शन लेके आ रही थी वो सारे आप लोगों ने देखे होंगे। पायल के कलेक्शन लेके आज काफी लोग पसंद कर रहे हैं। मैं पायल पे और भी वीडियोस बनाऊंगी, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आऊंगी। बट आज मैंने सोचा पायल का नहीं, कुछ हटके बनना चाहिए, हटके होना चाहिए ना। हाँ तो लेके आ, तो गैस आज मैं लेके आई हूँ इयररिंग्स कलेक्शन पे। मतलब मेरे गोल्ड के इयररिंग्स कलेक्शन कैसे कैसे हैं, कितने तरह के हैं, किस हिसाब से मैं पहनती हूँ, कैसे लगते हैं, पार्टी वियर कौन है, कैसे हैं, हर टाइप के मैं इयररिंग्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो गाइस प्लीज वीडियो पूरा देखिएगा तभी आप लोग को मेरा इयररिंग्स कलेक्शन देखने को मिलेगा। और जब जरूर 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 कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मेरा इयररिंग कलेक्शन आप लोगों को कैसा लगा। तो चलो मैं अपने इयररिंग्स दिखाना स्टार्ट कर देती हूँ। इयररिंग्स दिखाऊंगी एक एक करके आप लोग को बताऊंगी, फिर उसके बाद जो पहन के दिखाऊंगी वो मैं ट्यून में लगा दूंगी। उसमें कोई साउंड नहीं होगा, ट्यून होगी वाइटी लाइब्रेरी की तरफ से, वो साउंड होगा। फिर उसके बाद बाय अलविदा कर देंगे नेक्स्ट ब्लॉग के लिए। तो चलो मैं स्टार्ट कर देती हूँ अपना ब्लॉग। ओके तो गाइस आज थोड़ा जगह को इग्नोर मारना क्योंकि एनी उस वाले रूम में सो रही है, तो मैं कहीं और नहीं आ सकती। यहाँ थोड़ी धूप निकली, मैं ऊपर भी नहीं जा रही, तो मैं यहाँ बाहर बैठ गई बालकनी के साइड आके। तो जगह को इग्नोर मारना, और थोड़ा कैमरा मैंने नीचे करके रखा हुआ है इस वजह से। तो चलो मैं अपना इयररिंग्स कलेक्शन स्टार्ट कर देती हूँ। सबसे पहले बड़े से स्टार्ट करूंगी, है ना। बड़े से स्टार्ट करते करते फिर आप लोगों को उसमें दिखाएंगे। और जब मैं पहन के दिखाऊंगी ना इयररिंग्स अपने, तो बाल खुले ही ओपन रहने देते हैं ना। मैं सोची बांध के अच्छे से दिखेगा नहीं। सबसे पहले बड़े इयररिंग्स आप लोगों को दिखाते हैं, है? जो गोल्ड के हैं। मैं ज्यादातर गोल्ड के ही पहनती, वैसे पहले थी ना तो मेरे कान पकने लगते हैं, उसमें प्रॉब्लम हो जाती बहुत ज्यादा। पहनती हूँ बट कभी कभार पहनती हूँ, अच्छे लगते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाना चालू कर देती हूँ। ये देखिए, ये है मेरा शादी का झुमकी, मेरे को बहुत पसंद है। आप लोग ध्यान से देखो इसको कैसा लग रहा है। कैमरे में इतना सही से नहीं दिख पा रहा है बट बहुत ही सुंदर है। जब मैं पहनती हूँ ना इसको तो बहुत ही प्यारा लगता है ये। ये मेरे शादी में चढ़ाया हुआ था, शादी में मिला था मेरे को। ये देखो कैसे लग रहे हैं आप लोग, जरूर बताना। ये लटकन है इसमें, ये देखो, है ना। एकदम रुकना, ऐसे करके दिखाते हैं। मैं यहाँ पे ना कोई मतलब वीडियो को शॉर्ट नहीं करूंगी, सब ऐसे ही सामने सामने से आप लोगों को दिखाएंगे। ये देखो अच्छे लग रहे ना। अभी मैं इसको पहन के दिखाऊंगी। मेरी शादी में मुझे चढ़ाए में मिले हुआ था, तो 5 साल फाइनली हो गए इसकी। पता है एक एक लटकन और लंबी थी बट मम्मी ने कटवा दी थी कि ज्यादा लॉन्ग हो जाएंगे, बट मैंने कहा मैं लॉन्ग और करवाऊंगी, मेरे को लॉन्ग ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो आप लोग बताना ये वाला फर्स्ट मेरा कैसा इयररिंग्स लगा। और सेकेंड मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इयररिंग्स। सेकेंड है ये इयररिंग्स, ये देखिए, ये वाला कैसा लग रहा है आप लोगों को। आप लोग को पता होगा, अगर मेरा वीडियो देखा होगा, मेरे हस्बैंड ने मुझे ये मदर्स डे था ना उस पर गिफ्ट किया हुआ था। ये देखो अभी इसी ईयर किया था, तो ये भी मुझे बहुत प्यारा लगता है। ज्यादा बेटेड नहीं है, वो वाले तो बहुत बेटेड थे शादी वाले, बट ये बेटेड नहीं है ज्यादा, है लेकिन वैसे करके बने हुए हैं ना, तो कानों में अच्छे आराम से पहन सकते हैं, पार्टीज में भी पहन सकते हैं, कहीं भी आप लोग रात में पहन के सो भी सकते हो इसको। तो वैसे तो रात में पहन के सोना भी चाहिए, लेकिन कहीं ऐसा मौका लग जाए ना तो रात में पहन के सो सकते हो। इसमें ना ऊपर ये देख रहे हो ना, ये वो देखिए कनौती ऐसे लगाना चाहते हो ना, कोई भी लगा के पहनता है, बट इसमें नहीं दी गई थी। हाँ इसमें दी गई है। तो आप लोग बताना ये वाले आप लोग को कैसे लगते हैं। ये अभी सब पहन के एक करके दिखाऊंगी, तो बताना कैसे लगी। ये तो रहा मेरा सेकेंड कलेक्शन। और थर्ड है ये।
आप लोग देखते होंगे अक्सर, मैं आप लोग को दिखाती रहती हूँ मैं पहनती थी ये ऐसे 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 हाथों में। ये देखो ये छोटी वाली झुमकी है जो एक लेयर की होती है ना, वो वाली झुमकी है मेरे को बहुत पसंद। मेरे हस्बैंड ने भी ये मेरे को गिफ्ट दिए थे, तो ये वो वाले हैं। मेरे हस्बैंड मेरे को बहुत सारे गिफ्ट देते रहते हैं, तो मेरे हस्बैंड ने ये मेरे को गिफ्ट किए थे, गिफ्ट किए थे। ये देखो छोटी वाली झुमकी होती है ना जो, वो है मतलब नॉर्मल पार्टी में, नॉर्मल फंक्शन में आप लोग इसको पहन सकते हो। बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा लुक दिया गया, मेरे को बहुत पसंद आया था। ये बनवाने तो अपने लिए कुछ गए थे, इसकी स्टोरी बहुत लंबी है इस इयररिंग्स की, मैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी। बनवाने अपने लिए मेरे मियाँ जी गए थे, बट उनका प्लान कैंसिल होके मेरे लिए उन्होंने ये गिफ्ट मेरे को दे दिया। तो ये तो था थर्ड मेरा। और ये फोर्थ इयररिंग्स ये देखिए, सब मिलते जुलते हैं ना कुछ कुछ। ये फोर्थ 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 सही से नहीं दिख पा रहा है, थोड़ा कैमरे का इशू हो रहा है। ये जो इयररिंग्स है ना, ये मेरी एंगेजमेंट में मेरे को हार के साथ में मिला हुआ था, हार के साथ में चढ़ा हुआ था। मतलब ये मंगलसूत्र है ना मेरा, मंगलसूत्र का डिजाइन जो पेंडेड है उसका पेंडल और ये इयररिंग्स दोनों सेम सेम है। तो मेरा ये एंगेजमेंट का, मैं तो ये इसको कभी हटाऊंगी नहीं, मैं अपने साथ ही रखूंगी। फर्स्ट टाइम मेरे को यही मिला था, मेरे दिल के बहुत करीब है इयररिंग्स। तो मंगलसूत्र भी है, मैं मंगलसूत्र भी वो नहीं कराऊंगी, पेंडल पुराना हो गया, सोच रही थी हटवा दूं, लेकिन नहीं मैं उसको हटाऊंगी नहीं, मैं दोबारा दूसरा बनवाऊंगी। ये रखे, ये तो मेरा रात कौन सा, तीन हो चुके हैं, चौथा ये हुआ है ना। और 1 2 3 4 हो चुके थे ना। और ये रहा मेरा सुई धागा, और जो उसमें चढ़े हुए ना हार के सेट के साथ में, वो फिर किसी और ब्लॉक में दूसरे में दिखाऊंगी क्या चढ़े थे, वो अलग हैं। और ये जो वैसे मेरे को गिफ्टेड है मिले हुए थे मेरे हसबैंड, और ये है सुई धागा, एक सुई धागा और अलग है वो मैं दिखाऊंगी। ये सुई धागा मेरी मम्मी ने मेरे को शादी से पहले दिए थे, तो ये वो वाले हैं, नहीं शादी से पहले नहीं, शादी से पहले तो कुछ और दिए थे, वो खो गए थे मेरे। और ये शादी के बाद जब फर्स्ट बर्थडे पड़ा था मेरे हस्बैंड का, तब मेरे को ये गिफ्ट किए थे मेरी मम्मी ने। सारे गिफ्टेड वाली चीजें, मेरे को बहुत अच्छा लगता है सुई धागा, बहुत बढ़िया है, 2 इन 1 है, इसको कर सकते हैं 2 इन 1 भी, अच्छा है ना। एक ये भी गिफ्टेड ही है, मेरे भाभी ने मेरे को गिफ्ट किए हुए थे ये शादी में मेरे को। ये देखो ना 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 दिख रहे हैं ना, कैसे लग रहे हैं आप लोग को। ये छोटे से हैं, कहीं भी अपना हिसाब से डेली से पहन सकते हो, छोटू छोटू से है। एक ये है और एक ये, भाभी ने 2 दिए थे मेरे को, एक लॉन्ग में दिए थे एक शॉर्ट में दिए थे, 2 इयररिंग्स दिए थे। एक ही है, ये देखो इसका डिजाइन थोड़ा दूर से ही देखे तो ज्यादा बेस्ट लगेगा, पास से इतना क्लियर नहीं दिख रहा है। ये देखो इतना छोटू सा, ऐसे पकड़ में भी नहीं आ रहा ना। ये देखो तो ये है मेरे लिए। और एक है छोटू सा टॉप्स जो शादी से पहले मेरे को मम्मी 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 ने दिए थे, छोटू सा टॉप्स मैं दिखाती हूँ है ना। तो इतने सारे कलेक्शन है, और जो भी कलेक्शन हैवी वाले वो हार के साथ के सेट थे, तो मैं दूसरे ब्लॉग में दिखाऊंगी। और ये मेरे छोटू से टॉप्स, ये देखो देखिए, ये डेली यूज में कभी भी आप किसी भी टाइम पे पहन सकते हो, बहुत ही अच्छे हैं, वेटेड भी हैं और ज्यादा वैसे भी नहीं है। तो ये रहा मेरा कलेक्शन इयररिंग्स का जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। तो चलो मैं जल्दी जल्दी पहन के दिखाऊंगा, आप लोग को पसंद आया तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि आप लोगों का मेरा इयररिंग्स कलेक्शन कैसे लगा। चलो मैं पहन के दिखा देती हूँ और कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।
Yeah.